हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है, इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम पे फिर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको वहां पे नोट्स मिल गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फार्माकोलॉजी में, डी फार्मा सेकेंड ईयर के। हालांकि यही हमारा सेम रहता है सिलेबस बी फार्मा में भी, तो वहां से भी उनके लिए भी ये बोलते हैं ना काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो वो भी ये देख सकते हैं। कोई अगर आपका फ्रेंड हो जो बैचलर भी कर रहा हो तो आप ये उसे भी आगे शेयर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में चैप्टर सेकेंड। तो देखो सिलेबस में मैं दिखा देती हूँ, पहले ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमें वो ड्रग्स पढ़नी है जो किस पे काम करेंगी, हमारे पेरीफेरी पे, यानी कि बाहर बाहर के जितने भी ऑर्गन्स पे जो ड्रग हमारी काम करेगी वो हमें इसके अंदर बेसिकली देखना है, जो हमारे कंट्रोल में ना हो चीजें वो हमें इसके अंदर पढ़नी है। जिसमें हमें सबसे पहले तो स्टेप्स देखने हैं जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के लिए हमारे इन्वॉल्व है, जो कि हर जगह पे वो हमारे काम आएंगे, तो उसको हमें अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सब हमें अच्छे तरीके से, देखो कोलिनर्जिक, इन सभी की हम क्लासिफिकेशन अपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। अब वही क्लासिफिकेशन फिर से रहेगी, बस और क्या ऐड हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऐड हो जाएगा, यानी कि उसका एडीएमई वगैरह कैसे हो रहा है, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, ये सब भी हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये वर्ड कहाँ से आया है जो ड्रग इस पे काम कर रही है। तो हमें पूरा नर्वस सिस्टम इसके अंदर देखना होगा। देखो ईजी है काफी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हमें इसके अंदर देखना है। तो उससे ये पढ़ने से भी पहले एक बार हमें नर्वस सिस्टम क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो नर्वस सिस्टम बेसिकली, अब हमें न्यूरॉन्स का खेल देखना है, हमें क्या देखना है, न्यूरॉन्स क्या हमारे नर्व्स जो है ना वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे है, क्या है, वो सब हमें देखना है। तो देखो नर्वस सिस्टम हमारा यार दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा रहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहाँ पे देखो कोई रोल नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। तो सेंट्रल जो है उसके अंदर हमारा क्या रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन का काम क्या होता है, देखो रिसीव करता है और प्रोसेस में लाता है सारी इन्फॉर्मेशन को जो हमें मिल रही है, जो हमारे ब्रेन तक जा रही है ना, वो सब क्या है, ब्रेन बेसिकली उसको लेके जा रहा है, इनिशिएट करेगा कोई रिस्पॉन्स, कोई अगर स्टिमुलाई हुआ है, किसी टच हुआ है हमारे, हमारी बॉडी कहीं से भी किसी भी चीज से, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे कहाँ ऐसे हमें कैसे पता चल रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स कहाँ से पता चल रहा है, ब्रेन की वजह से पता चल रहा है। ब्रेन हमारा मेमोरीज को स्टोर करके रखता है, थॉट्स को जनरेट करता है और इमोशन को बैलेंस करता है। स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल देता है ब्रेन से, हमारा स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल देता भी है और ब्रेन तक पहुंचाता भी है। ठीक है, वहां से हमारे और पार्ट्स तक भी जाएगा और ब्रेन तक भी पहुंचेगा। कौन करता है ये काम, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो होती है स्टिमुलाई वाली, है ना, स्टिमुलाई फिर एक रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वो सब भी कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो ये बेसिकली इधर तो ये एनाटॉमी हो गई, अब हमें फार्माकोलॉजी की तरफ जाना है। दूसरा पार्ट है हमारा क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर देखो दो टाइप के न्यूरॉन आते हैं, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन, दूसरे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। देखो ध्यान से सुनना, अब इम्पोर्टेंट है ये बहुत, ये अगर ये बोलते हैं ना एक रूट है आपका, है ना, पढ़ने का, जो आप आगे जितनी भी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे चैप्टर टू में, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी दो टाइप की न्यूरॉन रहती है, एक होती है मोटर न्यूरॉन, दूसरी होती है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, इफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी कि जो भी हमारा, जो एक तरीके से बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का मतलब क्या है, जो करंट दौड़ रहा है ना, करंट किससे बन रहा है, सोडियम पोटेशियम आयन्स की वजह से ही तो बन रहा है, तभी तो हमें फीलिंग सेंसेशन पता चलती है और हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्यों, क्योंकि कंडक्शन चल रहा है हमारी बॉडी में, न्यूरॉन्स का खेल है सब, कंडक्शन जो चल रही है इम्पल्सिस की वो कहाँ से हो रही है, देखो सीएनएस से मसल्स में जा रही है। इफरेंट का मतलब है जा रही है ना, एग्जिट कर रही है। ठीक है, कहां से, ब्रेन से मसल्स तक ले जाना, तो वो होती है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है, देखो सेंसरी में हमारी इफरेंट आती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इफरेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन रहता है वो इम्पल्स का, वो हमारा ऑर्गन से जाता है सीएनएस तक, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑर्गन से सीएनएस तक जा रही है तो वो सेंसरी न्यूरॉन की वजह से जा रही है। ठीक,
और जो ब्रेन से हमारे मसल्स तक ऑर्गन तक आ रही है वो कौन सी है, इफरेंट न्यूरॉन है। अब ये जो मोटर न्यूरॉन है इसी के अंदर हमारे आते हैं क्या, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आता है हमारे हमारा इसके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो सेल्फ सेल्फ चलता है। ऑटो का मतलब खुद से, सेल्फ यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उनको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक में कंट्रोल होती है वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे हमारे हाथों की मूवमेंट हो गई, गर्दन की थोड़ी मोड़ी मूवमेंट हो गई, हाथ पैर जितने भी हमारी, तो ये किसकी वजह से होती है, कौन सी न्यूरोन की वजह से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, सोमैटिक नर्व की वजह से। अब हमें वो भी नहीं पढ़ना है सोमैटिक भी, हमको क्या पढ़ना है, ऑटोनॉमिक। पेरिफेरी के अंदर इफ्रेंट, इफ्रेंट में ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, उसमें भी ऑटोनॉमिक के अंदर आता है हमारा पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पेथेटिक में को हम, ये बिल्कुल ऐसा वाला नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पेथेटिक, जहां पे हमारा क्या, रेस्ट और डाइजेस्ट के टाइम पे ये वाला हमारा काम होता है। ये वाला सिस्टम हमारा कब एक्टिव रहता है, जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि सोते वक्त ही हमारी गट मूवमेंट अच्छी होती है, वह ना पेट की मूवमेंट और डाइजेशन अच्छा होता है, तो उस टाइम पे कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है, पैरासिम्पेथेटिक। कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या आता है हमारा, कोलिनर्जिक सिस्टम आता है, और कोलिनर्जिक सिस्टम अगर उसको चलाने वाली मेडिसिन देंगे हम तो हमारी वो एगोनिस्ट कहलाएगा, और अगर हम उसे इनएक्टिव करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, अगर काम ज्यादा हो गया है हमें, मान लो डाइजेशन जो है और ज्यादा ही रेस्ट पे है, तो हम क्या एंटागोनिस्ट देंगे, उस टाइम पे हम एंटी कोलिनर्जिक देंगे। और कोलिनर्जिक सिस्टम को कौन चलाता है, एसिटाइल कोलिन चलाता है। अब सिंपेथेटिक को कौन देखता है, देखो सिंपेथेटिक में हमारे फाइट और फ्लाइट आते हैं, जैसे जब हमें डर लगता है उस टाइम पे हमारा सिंपेथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो उसके अंदर हमारा एड्रिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट हो रखा होता है, एड्रिनर्जिक होता है, तो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन है वो कौन सा वाला रिलीज हो रहा होता है, एड्रिनलिन निकल रहा होता है, या फिर नॉरएड्रिनलिन, जिस टाइम पे हम डर रहे होते हैं तो एड्रिनलिन निकलता है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट यहां पे भी होंगे। उसके बाद देखो, अब हमें जब पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में ही अच्छे से पढ़ना है, तो एक इसका डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए क्या है इसके अंदर। देखो डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसका देखो, पैरासिम्पेथेटिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्रेनियो सेक्रल नर्व से, जो हमारे पूरे क्रेनियम है, हमारे ब्रेन से लेकर के पूरा जो तो वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, तो वहां पे क्या सेक्रम होता है, सेक्रल, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, क्रेनियो सेक्रल। तो उसमें भी कौन कौन सी, जो हमारी थर्ड थर्ड क्रेनियम बोन हो गई, वहां पे ओरिजिनेट होती है पैरासिम्पेथेटिक 7 से। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं, 7 से, 9 से, 10 से, और सैक्रल में 2 और 4। ये क्रेनियम की हो गई और ये सैक्रल का हो गया 2, 4, 2 से लेके 4 तक। तो हमें यहाँ पे इनके पर्टिकुलर नाम की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना भी पता है तो काफी है, नहीं तो इतना भी नहीं बताते, सिर्फ क्रेनियो सैक्रल बस खत्म। और सिंपेथेटिक का ओरिजिन, ये हमारी कहाँ से नर्व्स निकलती हैं, ये वाली डोर्सो लुम्बर से, यानी जो हमारा थोरैकिक है उसके बाद क्या रहता है, लुम्बर रहता है, तो लुम्बर में भी T1 से L2 तक या फिर L3 तक होती है ये। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखें इनका, तो कहाँ पे है, देखो पैरासिम्पेथेटिक वाली तो लिमिटेड है, ये सिर्फ हेड नेक और ट्रंक रीजन तक हमारी नर्व्स रहती हैं, और सिंपेथेटिक वाली बहुत वाइड होती है, यानी कि हर जगह पे आपको ये वाली जो नर्व्स हैं सिंपेथेटिक की वो हमें मिल जाएगी बॉडी में। लोकेशन ऑफ गैंग्लिया, देखो अब ये जो न्यूरॉन्स है यहाँ पे क्या हमारा गैंग्लिया होता है ना, जो जहां से हमारा जो कंडक्शन है इम्पल्सिस का वो हमारा मूव कर रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी सोडियम आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है, या सोडियम बाहर जा रहा है सेल मेम्ब्रेन से, तो क्या गैंग्लिया होता है वहां पे, गैंग्लियन बोलते हैं ना जैसी, तो लोकेशन जो होती है गैंग्लिया की वो ऑर्गन्स के पास में होती है पैरासिम्पेथेटिक में, और सिंपेथेटिक में ये हमारी CNS के पास में रहती है, क्लोज होती है एकदम, ठीक है, तभी तो हम डर रहे होते, तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन जो होता है ना वो बिल्कुल भी आपे में नहीं होता एक तरीके से, तो बिल्कुल वहां पे क्या सिंपेथेटिक भी एकदम क्लोज में रहती है उसके। अब लेंथ जो होती है गैंग्लिया की हमारे पैरा सिंपेथेटिक में, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होगी वहां वो हमारी लॉन्ग होती है गैंग्लिया,
और पोस्ट पे हमारा क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसका भी पूरा पिक्चर दिखाऊंगी अभी मैं, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्री जो सिंपेथेटिक में प्री शॉर्ट होता है, पोस्ट हमारा लॉन्ग होता है। आई प्यूपिल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और सिंपेथेटिक में प्यूपिल जो होती है डायलेट हो जाती है। देखते हो ना, जब हमें डर लग रहा होता है तो उस टाइम पे हमारे प्यूपिल जो आंख की पुतली है वो भी कितनी खुल जाती है और ज्यादा, तो वो डायलेट हो गई है उस केस में। अब ट्रैकिया और ब्रोंकियोल में क्या होता है कि जो हमारे नली होती है ना, विंड पाइप जो होती है हमारी, वो कैसे देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है पैरासिम्पेथेटिक में, और सिंपेथेटिक में हमारी डायलेट हो जाती है। तभी तो जब हम भाग रहे होते तो और ज्यादा हमें सांस चाहिए होती, तो वो कैसे डायलेट हो जाती है उस वक्त, ऐसे समझो इसे। और हार्ट जब सोने वाली कंडीशन होती है, जब सो रहे होते तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है बहुत, इसी को ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। और सिंपेथेटिक में हार्ट रेट हमारा बहुत तेज हो जाता है, दिल की धड़कने धकते तो बहुत तेज हो जाती है जब हम फाइट, या बोलते हैं ना कि डर वाली कंडीशन है जब हमारी, है ना। और बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो टैकीकार्डिया हो जाता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इसमें हमारे, जो ट्रांसमिशन करवा रहे हैं नर्व्स में, जो कंडक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, तो मेजर जो होता है हमारा एसिटाइल कोलीन होता है पैरासिम्पेथेटिक में, और माइनर हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। एनओ का मतलब क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और देखो इसमें सिंपेथेटिक में मेजर हमारा नॉरएड्रेनालिन है, माइनर हमारा एसिटाइल कोलीन और डोपामीन होता है। और यहाँ पे देखो जब हम पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वहां पे क्या देखेंगे, हमारे रिसेप्टर्स देखेंगे, मस्कैरिनिक रिसेप्टर, निकोटेनिक रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर कहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले बताऊंगी, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, क्या जो इम्पोर्टेंट है। वैसे पैरासिम्पेथेटिक और सिंपेथेटिक भी आपको पता होना चाहिए। और देखो जितनी भी है ना कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ पे, पैरासिम्पेथेटिक में हर जगह पे कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, सिर्फ हार्ट रेट, हार्ट के टाइम पे क्या हो जाएगा हमारा डायस्टॉलिक हो जाएगा, यानी कि हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा सिर्फ हार्ट पे। ये हमें ध्यान रखना है पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में, रिलेट करके चलो खुद से तो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद स्टेप्स देखते हैं कौन से, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। देखो न्यूरोन में जो हमारा ह्यूमरल यानी कि कुछ भी लिक्विड टाइप बोले तो, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, वो कैसे आगे पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है बॉडी को जब कोई स्टिमुलाई हो रही है, तो ये हमें अच्छे से देखना है। तो देखो कैसे हो रखा होता है ये बॉडी में ये काम। सबसे पहले इम्पल्स कंडक्शन होता है। अब ये इम्पल्स कंडक्शन का मतलब क्या है, यानी कि देखो कोई भी मान लो किसी ने एक मुक्का मारा टाइप, तो वो क्या था, एक मैकेनिकल सिग्नल था, है ना, बॉडी पे लगी, फिर वो जैसे ही हमारे न्यूरॉन्स में जा करके ट्रेवल करते हैं ना, और जब एकदम नर्व एंडिंग पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। वो कैसे ट्रेवल करता है, अलॉन्ग ए न्यूरॉन, न्यूरॉन के साथ ट्रेवल कर रहा होता है। और न्यूरॉन जो होता है हमारे, वो मेंटेन करके रखते हैं किस चीज को, रेस्टिंग पोटेंशियल को, जिस टाइम पे रेस्ट में है, है ना, कितना रहता है, ना ही तो आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है या ना ही ईफ्लक्स हो रहा है, ना आयंस अंदर आ रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, मेंटेन है, तो उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। वो हमारा -70 मिलीवोल्ट रहता है, क्यों, ड्यू टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन की वजह से। तो ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया कि इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। अब उसके बाद इसी कंडक्शन की वजह से ही हमारे क्या न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं नर्व टर्मिनल पे। बोला था ना जो नर्व एंडिंग होगी, है ना, जहां से हमारा साइनेप्स जो जगह होगी उसे हम साइनेप्स बोलेंगे, वहां से हमारा सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर, किससे, अपने प्रीकर्सर से, किसी से तो बनेंगे ना वो, तो वो कौन होते हैं, अमीनो एसिड। जैसे एसिटाइल कोलीन भी किससे बना है, कोलीन अमीनो एसिड से, है ना, एसिटाइल ग्रुप जुड़ के। तो ये हो गया सिंथेसिस, इम्पल्स कंडक्शन हुआ, उसके बाद हमारा सिंथेसिस चली न्यूरोट्रांसमीटर की। उसके बाद अब वेसिकल्स में जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो जो एरिया रहता है ना, एक बोले तो देखो जैसे एक ये न्यूरॉन्स की है ना एंडिंग है एक टाइप से, तो फिर अब ये दूसरा न्यूरॉन्स हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये क्या है, यहाँ पे ही क्या है, वेसिकल्स हैं। क्या, वेसिकल बना हुआ है, खाली जगह बनी हुई है। आफ्टर सिंथेसाइज न्यूरोट्रांसमीटर आर पैक्ड इनटू सिनेप्टिक वेसिकल है ये, यहाँ पे हमारे पैक हो चुके हैं, लोकेटेड इन दी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। देखो ये प्री साइनेप्टिक हो गया ना, इस वाले न्यूरो, इस वाले के लिए
प्रीसाइनेप्टिक है ना, और ये जब इस पे ट्रांसफर हो जाए न्यूरो ट्रांसमीटर, तो ये दूसरा वाला इसके लिए क्या हो जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक हो जाएगा टर्मिनल दूसरा वाला। तो अभी ये इस पे है, दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, ट्रांसमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अभी वेसिकल में है। जितनी बार मैं बोलूंगी देखो आपको उतनी बार ये चीजें ध्यान रहेंगी कि ये क्यों बोल रही है बार बार। मेरा यही मोटिव है यार आपको बताने का कि बस जितना मुझे पता है आपको उससे ज्यादा ही समझ में आए, ठीक है, बताने के तरीके से। मेरे न्यूरोट्रांसमीटर पैक हो गए सिनेप्टिक वेसिकल में, अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी, लोकेटेड इन दी प्रीसाइनेप्टिक। फिर स्टोरेज जो होती है ना, अगर ये स्टोर रहेगा ना यहाँ पे, तो इससे हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होने से पहले जो होगा वो खराब होने से बचेगा, डिग्रेडेशन होने से बचेगा, क्या खराब होने से, स्टोरेज की वजह से। तो सिनेप्टिकल वेसिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। देखो इसके बाद क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब खुद ही सोचो, जब अब हमें रिलीज करवाना है न्यूरोट्रांसमीटर का, उससे पहले एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व्स जो है ट्रेवल करेंगे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा ये काम। तो नर्व इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करेगा डाउन द एक्सॉन ऑफ द न्यूरोन, यानी कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है हमारे न्यूरोन का, वहां से नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाएंगी ट्रेवल करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनने लग जाएंगे मूवमेंट की वजह से, किसकी, आयन्स की। सोडियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम आयन अंदर आता है, तो डीपोलराइजेशन होता है ना, देखते हो ना जो हार्ट हार्ट की जो पीक हमारी जाती है ना, हार्ट रेट देखते हो, पी क्यू आर एस जो आपने पढ़ी है, तो पी से क्यू तक चली गई, तो वहां पे हमारा डीपोलराइजेशन हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, अक्रॉस दी न्यूरोनल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, अब हमारा सोडियम और पोटेशियम तो है ही, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, कैल्शियम भी यहीं पे आ जाता है, तो वेसिकल में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, यानी कि वो बर्स्ट हो जाता है ना, टूट जाता है वेसिकल, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्जेस इतना ज्यादा आ गया है, और जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। तो जो इन्फ्लक्स है कैल्शियम का, कैल्शियम आयन का, वो ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर होने की वजह से सिनेप्टिकल वेसिकल जो थे हमारे वो फ्यूज हो जाते हैं विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और न्यूरोट्रांसमीटर वहां से रिलीज हो जाते हैं। किसमें से? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से, थ्रू एक्सोसाइटोसिस। कुछ भी सेल के बाहर आना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से वो बाहर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आए, अब जिस जगह पे उन्हें काम करना है वो वहां जाके क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे, बाइंडिंग टू रिसेप्टर। रिलीज्ड, जो रिलीज्ड हो गए न्यूरोट्रांसमीटर, वो बाइंड होंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर से ऑन दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, या तो स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट कर देगा, एक्साइटेटरी होगा, या फिर इनहिबिटरी हो जाएगा, ठीक है। ये जो बाइंडिंग हुई है यहाँ पे, ये स्टिमुलेट करेगा, या तो एक्साइटेटरी हो जाएगा या इनहिबिटरी हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, यानी कि या तो ये डीपोलराइजेशन करा देगा या फिर हाइपरपोलराइजेशन करा देगा, यानी कि क्लोराइड आयन अंदर आ जाएगा या सोडियम आयन जो है वो अंदर आ जाएगा। तो ये चल रहा होता है हमारा, ठीक है, रिसेप्टर पे बाइंड होता है जब। फिर उसके बाद क्या होता है, जनरेशन होता है फिर से पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का। अब प्री सिनेप्टिक से निकल के अब कहाँ जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक पे। अब जो बाइंडिंग हुई है न्यूरोट्रांसमीटर की, अब उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, चेंजेस आएंगे आयन की परमेबिलिटी में पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी कि या तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा या फिर इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल होगा। ये दोनों वर्ड अभी मैं क्लियर करूंगी डायग्राम के थ्रू ये क्या है। उसके बाद देखो टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल, अब टर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे, यानी कि अब हम न्यूरोट्रांसमीटर का खेल बस इतना समझ रहे हैं कि हमारे ऑर्गन्स से हमारे ब्रेन तक सारी इन्फॉर्मेशन जो है जा रही है, और अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम करना है तो वहां पे भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। किस वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, जो न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, अब टर्मिनेशन देख लेते हैं। अब ये तो नहीं है कि पूरे टाइम पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है काम ही करता रहेगा, तो भी ठीक नहीं है। उसका रोल हमें जितना बॉडी में चाहिए उतना ही होना चाहिए। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो टर्मिनेट होगा कई सारे मैकेनिज्म की वजह से, या तो रीअपटेक हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में रीयूज के लिए, पोस्ट सिनेप्टिक में जितना आया अब उसके बाद जो जरूरत नहीं है वो वापस से पहले वाले सिनेप्स में चला जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाएगा, यानी कि कोई एंजाइम आएगा उसको ब्रेक कर देगा, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही, जैसे कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस करता है, किसकी, एसिटाइल कोलिन की। तो ये देखो इजी था, अब मैं इसी को डायग्राम के थ्रू थोड़ा आपको समझाती हूँ। देखो
ये हमारा क्या है, एक न्यूरॉन है। अब यहां से आप देख रहे हो ये वाले जो ट्रांसमीटर है हमारे, ये इनहिबिटरी हैं, इनहिबिटरी हैं। तो यहां इस जगह पे क्या हो रहा है, हमारा सोडियम जो है अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस का ही खेल चल रहा है। और ये वाली जो न्यूरॉन है यहाँ पे देखो, एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है ये, जो रेक्टेंगल शेप में बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव जो है वो ज्यादा है बाहर, पॉजिटिव है अंदर। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का ट्रांसफर एक तरीके से हो रहा है। इसमें भी देख रहे हो, मतलब ये चल रहा है हमारा, क्लोराइड अंदर आ रहा है या सोडियम बाहर जा रहा है, तो ये इम्पल्स कंडक्शन यहाँ पे हो रहा है। फिर उसकी वजह से अब दूसरे न्यूरोन पे, अब ये क्या है, प्री साइनेप्टिक है। अब यहाँ पे आएगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक हो जाएगा। यहां से हमारा इनहिबिटरी ट्रांसमीटर निकला, वो इस पे पहुंचा, तो यहाँ पे अब क्या है, देखो क्लोराइड आयन अंदर आ रहे हैं तो हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। तो जब हाइपर पोलराइजेशन होता है तो इनहिबिशन हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन जो होगा वो रुक जाएगा इस केस में। अब इधर वाले में देखें तो क्या हो रखा होता है, देखो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर है जहां पे सोडियम हमारा अंदर आ रहा है, इम्पल्स का कंडक्शन है ये, ठीक है। अब यहां से रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर का, इतना जो चल रहा है ये इम्पल्स कंडक्शन है। उसके बाद वाला देखो, ये वाला जहां पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, वेसिकल से निकल रहा है यहाँ पे, किधर, न्यूरोट्रांसमीटर निकला दूसरे वाले पोस्ट सिनेप्टिक पे जाने के लिए। तो सोडियम यहां से आ रहा है और यहां से क्लोराइड आ रहा है, तो क्लोराइड वाला हमने देखा इनहिबिशन हो गया है। अब सोडियम अंदर आ रहा है तो डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक। तो मतलब यहां से हम ये समझे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है कैसे दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंच रहा है, उसका रिलीज वहां तक पहुंच रहा है। अब जितना यूज होगा, जितना इसको अपटेक करना होगा उतना करेगा, एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके अपना वर्क करेगा, जिस ऑर्गन के न्यूरॉन पे काम करना होगा वहां पे वर्क करेगा, उसके बाद अदरवाइज फिर से रीअब्सॉर्ब होके वेसिकल्स में चला जाएगा या फिर डिग्रेड हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्साइटेशन जब डीपोलराइजेशन होता है, ये समझा हमने। दूसरा डायग्राम देखते हैं और क्या है इसके अंदर, देखो जो आपको बताया था ना, देखो ये तो सोमैटिक हो गया जो वॉलेंट्री कंट्रोल में है, स्केलेटल मसल, एसिटाइल कोलीन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर यहां भी रिलीज होता है। सिंपैथेटिक में हमारा देखो ये वाला जितना एरिया होता है ना, ये वाला, ये हमारा प्री गैंग्लियन होता है, प्री गैंग्लियोनिक, और इसके बाद वाला ये जो है हमारा न्यूरॉन्स में, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। ये क्या है, देखो हमारे गैंग्लिया की लोकेशन है। तो सिंपैथेटिक में देख रहे हो प्री पे हमारा क्या है, एसिटाइल कोलिन है, क्यों, क्योंकि ये देखो प्री वाला इसका क्या है, हमारा शॉर्ट है सिंपैथेटिक का, और पोस्ट जो है, पोस्ट गैंग्लिया हमारा लॉन्ग होता है किसमें, सिंपैथेटिक में, और ऑर्गन पे यहाँ पे हमारा नॉर एपिनेफ्रिन निकल रहा होता है, यानी कि नॉर एड्रिनलिन निकल रहा होता है। अब पैरासिंपैथेटिक में प्री लॉन्ग होता है इसका और पोस्ट वाला शॉर्ट होता है, गैंग्लिया, पोस्ट गैंग्लिया, ऑर्गन पे ये वर्क कर रहा है, कौन रिलीज हो रहा है यहाँ पे, प्री में भी एसिटाइल कोलिन और पोस्ट में भी एसिटाइल कोलिन। आपको बस इतना ध्यान रखना होता है, सिंपैथेटिक में जो उसका प्री है उस पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, पोस्ट वाले पे हमारा नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन रिलीज हो रखा होता है। सो गाइज, देखो ये था हमारा फार्माकोलॉजी का चैप्टर 2 का पूरा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इसके भी नोट्स आपको प्रॉपर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, और ये डायग्राम भी आपको वहां मिल जाएंगे। सो थैंक यू।